ये ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन प्रदूषित हवा प्रदूषित हो गई, इसमें योगदान किसी और का नहीं है, हमारा ही योगदान है। अब उसमें ये बात तो ठीक है कि मनुष्य सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इस प्रोसेस को तो बंद नहीं किया जा सकता। भले ही हम नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये प्रक्रिया तो बंद होने वाली नहीं है। अल्टीमेटली हमको उसी ओर आगे बढ़ना पड़ेगा जो आर्टिफिशियल तौर पर हमने ही कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया है, और उसके बढ़ाने के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, उसमें ट्रांसपोर्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान करता है इस प्रदूषण को बढ़ाने में। अब जब कभी प्रारंभ हुआ था तो शायद इतना इसका भयंकर परिणाम निकलेंगे ये उस समय पता नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बाध्यता भी बन गई, कोई शौक से ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं आता है, हमको अपना प्रतिदिन की गतिविधियों में अपनी मोबिलिटी को बढ़ाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में, ये सब चीजें करनी थी, की हैं, प्रगति हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ जब सामने परिणाम भयंकर आते हैं तो समय के अनुसार हमको बदलना पड़ता है, और इस बदलने के लिए ये जो प्रदूषण है इसको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो आयाम खड़े किए गए उसमें एक ये है कि हम अपने व्हीकल्स को कैसे ई व्हीकल्स पर लेकर के आए। ई व्हीकल्स का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम न केवल अपने देश में, दुनिया में शुरू हुआ है। इसमें पीएम ई ड्राइव, पीएम ई बस सेवा, और जो इस ईवी सर्विस को बढ़ाने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ब्रीद नाम से, एक बहुत सराहनीय है।